हमारी ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है बनारस जंक्शन से। बाय बाय बनारस जंक्शन, फिर मिलते हैं। बनारस जंक्शन, यहाँ पर डीजल लोको का सबसे बड़ा शेड है, लोको शेड। खाली
सीट, 26 नंबर जनरल क्लास की जर्नी है सद्भावना एक्सप्रेस में, जो रक्सौल से चल के आनंद विहार के तक चलती है। इसका टोटल टाइमिंग डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर लगभग, और ये लगभग 29 मतलब 30 घंटे पूरा लेती है रक्सौल से आनंद विहार के लिए। जौनपुर सिटी जो मेडिकल और कॉलेज के नाम से बहुत फेमस है जौनपुर, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पढ़ाई करने। जौनपुर सिटी चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसका डिपार्चर। जौनपुर से ट्रेन खुल चुकी है, देखिए डिपार्चर। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन
पानी मैंगो सुल्तानपुर से डिपार्चर होती है हमारी ट्रेन। मुसाफिर खाना प्लेटफॉर्म बहुत दूर था, इसके चक्कर में मैं उतर नहीं पाया। हमारी ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है मुसाफिर खाना। फिर खाना बाय बाय। Thank you.
सबसे लास्ट में डब्बा होने के कारण हमने कुछ आपको दिखा नहीं पा रहा स्टेशन का, सबसे लास्ट में डब्बा है। सो आपके खाना देखो इसके आपको डब्बे ये जनरेट का डब्बा है, कुछ का नहीं है। चलते अंदर सीट पे। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, निहालगढ़ ट्रेन इतनी लंबी कि प्लेटफॉर्म से पहले रुक जा रही है। ये निहालगढ़ रेलवे स्टेशन है, अब इसका सीधा लखनऊ। निहालगढ़ कभी आइए तो समोसा यहाँ का ज़रूर ट्राई करिए, समोसा बहुत फेमस है। निहालगढ़ समोसा जरूर ट्राई करिए, अभी समोसा खाया बहुत बढ़िया लगा। हमारी ट्रेन टाइम से 15 मिनट पहले आ गई है, इस वजह से यहाँ पर रुकी पड़ी अभी।